खबर कानपुर से है। आपको बता दें, आबकारी विभाग ने मानकों को ताक पर रखकर मंदिर के बगल में शराब की दुकान बसा दी। आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते किसी भी दिन यहां पर दुर्घटना हो सकती है। शहर भर में मानकों को ताक पर रखकर शराब की दुकानें यहां पर बसाई जा रही हैं और जनता त्रस्त है। देशी शराब की दुकान के विरोध में सैकड़ों क्षेत्रीय महिलाओं ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित क्षेत्रीय महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की है और जमकर नारेबाजी की। में महिलाओं द्वारा कई दिन तक विरोध प्रदर्शन के बाद बर्रा में स्थित दुकान हटवाई गई थी। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के पाल चौराहे के पास स्थित देशी शराब की दुकान का पूरा मामला है। दादाजी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। आज कहाँ पर आप लोग विरोध प्रदर्शन और क्यों कर रही हैं? ये हमारे सामने जो हमको दिक्कत हो रहा है, ये ठेका जो है बहुत दिक्कत कर रहा है, इसलिए मंदिर कोई नहीं आ सकता है। ये मंदिर में आने में, कूड़ा फेंकने में ठेका वाले 84 दारू बेचते, रात भर पूरी चलती दारू बिकती, रात दिन बराबर कहाँ लगे देखे हम लोग। क्षेत्रीय महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या समस्या होती है? दिक्कत होती है कि दारू पे वाले छेड़ देते हैं, कहीं कुछ बताएंगे, कहीं गाली देने लगते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अभी एक दिन एक को मारा गया था ये दारू पी करके। अब हम लोग ये थोड़ी अब पता है की है कि नहीं की। अब जो हुआ जिसका बच्चा वो मार झकोर कर दिया। कैसे आक्रोश दिखाया आप लोगों ने ठेका बंद करने का? हमको ठेका बंद करने के लिए हमें दिक्कत है, यही कोई आ नहीं सकते है हम तो, हम कैसे यहाँ बंद करने के लिए, सबको दिक्कत है, इसलिए बंद किया जा रहा है। भैया मेरा प्रभा देवी नाम। किस तरीके की दिक्कत हो रही है भैया? हम लोगों को ठेके को लेके बहुत दिक्कत हो रही, मारपीट होती रहती है अक्सर यहाँ पे। अगर लोग पूजा करने के लिए आते हैं, जैसे ठेके के बगल में अपना मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे मारपीट होने लगती है। महिलाओं को अपशब्द बोला जाता है, बच्चों को अपशब्द बोला जाता है। स्कूल पीछे बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, हम लोग पूजा करें कि पहले ठेके वालों से निपटे, ये बताइए। आज किस तरीके से विरोध जताया सभी भैया? हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, लड़ाई होती रहती है, आसपास में रहते हैं, रोज गाली रखकर खाते रहते हैं। इस वजह से हम लोगों ने आज सोचा कि इसको बंद ही करवा के रहें और हम लोगों को ये बंद करवाना पड़ेगा। सर आप लोग पूरा पूरा सपोर्ट करें। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है, खड़ी हुई है, वो हम लोग को शांत करने में जुटी है। लेकिन हम लोग इतने धूप में घरी धूप में खड़े हुए हैं, बंद होगा तो बंद होगा, ठेका बंद कराइए सर प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, ठेका बंद कराइए, अवैध ठेका बंद कराएं।